हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। सो आज मैं मुंबई में कच्छ जा रही हूँ। कन्फ्यूज मुंबई में कच्छ, यही सोच रहे होगे ना? दोनों एकदम कन्फ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, आप मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कच्छ के एक एक सिटी के बारे में मेंशन किया है, एंड देन उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी वगैरह है वो सब लिखा है। जैसे ये अंजार है, मुझे तो गुजराती इतना पढ़ना नहीं आता है, तो आप वीडियो को पॉज करके या ऐसे रीड कर सकते हो कि क्या लिखा है। ये मुद्रा अलग अलग सीटिंग एरिया भी है, मतलब अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको प्राइवेट स्पेस मिल जाएगा जिसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। हाँ, बट अवेलेबल है तो आप बैठ सकते हो। अभी ये तो पूरा खाली है। यहाँ पे आज मैं आई हूँ, यहाँ पे फंक्शन है, दो पार्टीज है एक्चुअली। ये एक पार्टी है एंड वो साइड में दूसरी पार्टी है। यहाँ पे गरबा वगैरह भी होता है बाकी दिनों पे, आज ये प्राइवेट पार्टीज है तो गरबा ही लोग पर्सनली। यहाँ पे फोटो के लिए भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे आइडल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से फोटो ले सकते हो। ये देखिए, ऑलरेडी कोई तो फोटो ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप पानी पूरी वगैरह खा सकते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड है, आपकी एंट्री फीस में इंक्लूडेड है। बहुत क्राउड है आज, आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। यहाँ पे देखिए अपने बचपन की यादें, बूटी का बाल, कैंडी फ्लॉस। यहाँ पे देखिए गोला है, ये भी अपने बचपन की याद है, बचपन में हम लोग गोला बहुत खाते थे। चाय, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग ये सब करवा सकते हो। टैटू आर्टिस्ट भी है, मैं सबको करवाऊंगी, फिर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। ये प्ले, आई मीन ये पे एंड प्ले वाला गेम है, पे करना पड़ेगा, ये आपके फीस में इंक्लूडेड नहीं है। बच्चे लोगों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी है यहाँ पे। जिसे परफॉर्म करेंगे पिंकी शर्मा, इसके साथ ही यहाँ पर गेम जोन है जहाँ पर आप ऊपर लेकर गेम जोन पर गेम खेल सकते हैं। ज्योतिष महाराज भी है, मैजिक शॉप है, मैजिक शॉप पर जाकर आप मैजिक ट्रिक्स को देख सकते हैं, मैजिक ट्रिक्स को बाय भी कर सकते हैं। और ये सभी एक्टिविटीज 11 बजे तक ओपन रहेंगे। 11 बजे के बाद सारे काउंटर्स बंद कर दिए जाएंगे, इवन फूड काउंटर्स भी 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डीजे आपके साथ रहेंगे। कच्छ की फेमस दाबेली है, आप आराम से यहाँ पे आके खा सकते हो। ये सूप काउंटर है। तो
बर्थडे के लिए भी बुकिंग कर सकते हो। आज यहाँ पे किसी का बर्थडे, मैं ऊपर चल के आपको बता दी उनका डेकोरेशन एंड ऑल। यहाँ पे भी सब हिस्ट्री लिखी हुई है। राधा कृष्णा का पूरा अच्छा सा एकदम पेंटिंग टाइप्स। यहाँ पे भी एक हार्ट सीटिंग अरेंजमेंट में अरेंजमेंट हार्ट टाइप। एंड ये देखिए पार्टी हॉल, तो आप इसको पार्टी वगैरह के लिए भी, स्मॉल पार्टीज, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए आप बुक कर सकते हैं आराम से। आज यहाँ पे पार्टी है इसके लिए मेन कोर्स अंदर रखा है, वरना ये बाहर ही होता है ग्राउंड में। वॉशरूम्स भी यहीं पर है। ये मेन कोर्स एरिया है पूरा। यहाँ पे सीटिंग वगैरह ये नॉर्मली शादी के पार्टी के हिसाब से किया, वरना सब कुछ ग्राउंड में होता है। वहाँ पे भी बैठने के लिए काफ़ी जगह है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि बैठना कहाँ है और कहाँ नहीं। यहाँ पे मेरी वॉइस आपको और अच्छे से आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे नॉइस कम है। सो ये सलाड काउंटर है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार है बहुत सारे, नींबू, कांदा, रायता, टमाटो, ककड़ी। यहाँ पे फ्रेश गुलाब जामुन है, जलेबियाँ है, ये मूंग दाल हलवा है। सब क्रेविंग्स आपकी यहाँ पे मिट सकती है एकदम कम प्राइस में। ये है पकोड़ा, वाइट ढोकला, ये मैगी पकोड़ा है, ढोकला है, फरसान काउंटर है ये बेसिकली। चटनी, तीखी चटनी, मीठी चटनी, यहाँ पे गुजराती नाश्ता है, नहीं गुजराती नहीं है सॉरी, ये साउथ इंडियन डोसा है। ये चाइनीज काउंटर है, ये देखिए, ये मंचूरियन सूप है, ये फ्राइड राइस है, इसमें कुछ नहीं सेम। अच्छा यहाँ पे जैन फूड भी है, सेम जैन सेम है, ओके अच्छा ओके, ये एग्जैक्टली सेम है और ये जैन है। सो ये पूरा जैन काउंटर है। यहाँ देखिए गुजराती कड़ी है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है मूंग दाल खिचड़ी, देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये दाल फ्राई,
सेव टमाटा मेरा फेवरेट गुजराती आइटम, ये हैदराबादी सब्जी है, ये पनीर पसंदा, ये देखिए ये कितना मस्त लग रहा है देखने में। सो ये है हमारा रोटी काउंटर, इंडियन ब्रेड काउंटर। यहाँ पे 3 types ऑफ आपको ब्रेड्स मिलेगा, लाइक सादा रोटी मिलेगी, अपने बाजरे की रोटी मिलेगी और थेपला भी मिलेगा। आपको चाहिए वैसे वो बना कर देंगे, आप रोटी वगैरह के साथ गुड़ ले सकते हो, घी अपने हिसाब से जितना चाहिए आप रोटी पे लगा सकते हो। मेन कोर्स जीरा राइस है, यहाँ पे देखो दाल फ्राई है, समरिया आलू करके भी कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। ये है राजमा मसाला, ये है वेज हैदराबादी सब्जी, वो जैन था, ये सब कुछ नॉन जैन है। इसमें कांदा लहसुन होगा, पनीर पसंदा, सेम आइटम्स है बट ये नॉन जैन है और वो जैन थी। ये सब कुछ नॉन जैन ही है, मैंने जैन फूड नहीं लिया एंड सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया ताकि वेस्ट ना हो। बहुत सारे आइटम है बट मेरे प्लेट्स में बहुत कम है। जैसे मैंने ये वेज हैदराबादी सब्जी है, ये पनीर पसंदा है, ये दाल फ्राई है, वाइट ढोकला और एक मैगी पकौड़ा फॉर मैंने टेस्ट के लिए लिया, और ये मैंने बाजरे की रोटी ली है। मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा है। यहाँ पे गुजराती आइटम्स भी है बहुत सारी बट मैंने नहीं लिया, अगर मेरे पेट में जगह बची तो मैं थोड़ा सा लूँगी। टेस्ट अच्छा है इसका, बाजरे की रोटी जो मैंने लिया थोड़ी सी ठंडी है, आप गरम बनवा के आराम से ले सकते हो अपने हिसाब से, और मैंने इसमें घी वगैरह नहीं लगवाया, आप घी वगैरह लगवा के आराम से अपने हिसाब से ले सकते हो। सो ये मैंने गुजराती कढ़ी और खिचड़ी लिया, मैंने सोचा मैं कच्छ आई हूँ तो ले लेती हूँ। गुजराती कढ़ी थोड़ा सा स्वीट होता है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, स्वीट ही है ये बट टेस्ट अच्छा है, आप खा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो टेस्ट जरूर करना, कच्छ में आके गुजराती कढ़ी नहीं खाया तो क्या। ये थोड़ा सा फ्राइड राइस लिया मैंने फॉर टेस्ट, ये अच्छा है, इसका टेस्ट एकदम प्रॉपर चाइनीज राइस की तरह है, तो आप ये भी खा सकते हो। दाल और जीरा राइस लिया है, ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, इसके वजह से मैं ये भी बताती हूँ आपको ये कैसा है। दाल का टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं वो भी लेके ये भी लेके, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, हम दोनों के बीच में हमने एक ही प्लेट लिया है इसमें से, ताकि वेस्ट ना हो, हम दोनों एक ही प्लेट में से खा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डेजर्ट लिया है अभी, ये मूंग दाल हलवा, ये गुलाब जामुन और ये जलेबी, मैंने सब थोड़ा थोड़ा लिया है ताकि वेस्ट ना हो, मुझे स्वीट थोड़ा पसंद है बट अभी खाना मेरा ज़्यादा हो गया। गुलाब जामुन एकदम गर्म है, बहुत ही मस्त है, मूंग दाल हलवा थोड़ा ओके, मतलब ये कम स्वीट है इसलिए मुझे कम पसंद आया। एकदम गर्म है, क्रिस्पी है, मस्त है इसका टेस्ट एकदम।
सो ये इनका आज का मेन्यू है, आप वीडियो को पॉज कर चेक कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे का प्राइसिंग इनका 551 है और सैटरडे संडे का प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उस दिन पर सैटरडे संडे ऑर्केस्ट्रा भी होता है इसकी वजह से।